अरे बंद है 22 सितंबर 2018 बंदर भोज करा के हम आ रहे हैं। भुवन सिंह से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो ये दो जानवर अस्पताल में हैं ये बेचारी इनकी देख रेख कर रहे हैं, ये कहाँ है गौशाला वाले पोशाला वाले, मुँह से आग निकलता है, हैं ऐसे जानवरों को लोगों को जो गौशाला चलाते हैं, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट से जहाँ उनका वो उनको वो मिलता है उनको अपने घर पर कर भैया इसको नीचे बांध दो थोड़ा, अगर बांधे हो तो खुवाओ नीचे कर दो, हाँ पानी लागे देखा जो पक्की ज़मीन ना यहाँ अस्पताल में भर्ती करने की जगह है ना कुछ है, नीचे पक्का फर्श है। अब इसका यह हो कि भैया डॉक्टर साहब से कहा जाए मिला जाए कच्चा फर्श हो ना जिनको आराम मिल जाए ना, यह बछिया है इनका पैर ही कटा टूटा पड़ा है इनको ठीक होना ही नहीं, खा रही पी रही, भुवन सिंह बेचारे मर रहे हैं अकेले, तीन जानवर मेरे घर में हैं हम अघा रहे हैं, कोई ना चेली ना चेला ना कोई आदमी, फिर ऊँचे से बांधो एकदम नीचे से बांधो, हाँ एकदम नीचे से है मुक्का मिलेगा भैया, हाँ है हाँ इसे डाल के बांधो, यह यही मैं चिल्ला रहा हूँ बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ कि इनसे बड़ी कोई सेवा हो कोई तीरथ हो व्रत हो महामृत्युंजय का पाठ हो तो मुझे बताओ, ये तो बछिया है ना ये बछिया है वो बछवा है नंदी है वो कौन, वो भी बछिया है, अरे बाप रे बाप बोलिए आप उसके पैर में कितने, अच्छा आप ड्रेसिंग आपके सामने होता है अच्छा रोज खैर नहीं होता एक दिन बीच करके होता है, बस भैया झेलते रहो तुम अस्पताल में झेलो हम अपने घर पर झेलें, और घर पर अगर रखा जाए तो भैया कोई का भरोसा है, माने आप कहीं बाहर चले गए तब तो हम गए काम से, इसीलिए अस्पताल में रहेगा तो कम से कम कोई कुछ तो करेगा, बाकी कोई करने वाले नहीं, गोबर कीड़ा करकट कचड़ा पड़ा है देखो कितना कितना गोबर है, नहीं स्प्रे रखा हमसे दे दो घर पर आके, हाँ आप स्प्रे डाल के घर लेते जाओ आओ तो लेके आओ, अरे जो जरूरत पड़े हमने कई बार कहा आपसे, सुमन माँ जिंदाबाद, सुमन माँ जिंदाबाद, सुमन माँ को तो वो हम पुण्य कमा देंगे कि शायद भारत में किसी महिला को इतना बड़ा पुण्य मिला होगा, हाँ मैं डंके के चोट पर बात करता हूँ, मैं कमरे के भीतर नहीं बात करता हूँ ललकार के बात करता हूँ, सुमन माँ उनके परिवार को इतना हम इतना शक्तिशाली बना देंगे ना कि एक बार उधर कोई शनि राहु आएंगे ना तो उनके वो अंधे हो जाएंगे, सेवा परमो धर्मा कहाँ है सेवा, कौन कर रहा है सेवा, गोहत्या बंद हो गोहत्या बंद हो गोहत्या बंद हुआ तो देखो हालत, कोई सेवा करने वाला नहीं, प्राणी में सद्भावना हो तो भैया इसमें थोड़ा भूसा भी मिला लिया करो, हमारे यहाँ भूसा तमाम रखा है, हाँ हम देखो कल याद रहेगा तो हम संगठा के यहाँ भेज देंगे भूसा, ठीक हमको मोबाइल कर दिया करो यार, तुम कटे कटे छिपे छिपे रहते हो क्या बताऊँ मैं, अरे सुनो एक काम ना करो आज तुम 5 मिनट के हमारे यहाँ रुक के लाइव पर बोल के जाओ, कम से कम नहीं लाइव पर थोड़ा ललकारो बताओ बोलो ठीक है, 10 मिनट लगेगा चले, ए यार कोई चीज़ है हटाने वाला गोबर, देखो अंदर कितना गोबर पड़ा है, हैं हमारे कंपाउंडर साहब कहेंगे वो सरकारी जगह है और ऐसा मत कीजिए वो वीडियो न बनाइए, हैं अरे इनकी हालातों पर वीडियो न बनाए हम, ठीक चलिए जय हो जय हो जय हो जय श्री राम जय श्री राम, यही है भुवन सिंह अपने भैया, अब ठीक है अकेले जितना होता है करते हैं जय श्री राम।